मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसडीएम पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास थर्ड, चैप्टर फर्स्ट, द काउ। वर्ड मीनिंग्स: मैडो, ड्राई ग्रास, लोइंग, मू, फ्रेंडली, अफेक्शनेट, वांडर्स, स्ट्रे, प्लीशेंट, नाइस, फ्लावर्स, फ्लोरेट, ब्लोन, रोर, वॉक्स, मू, ओपन, अनलॉक, क्रीम, रब। ड्रॉ द डायग्राम इन योर फेयर नोटबुक। The friendly cow, all red and white, I love with all my heart. She gives me cream with all her might to eat with apple tart. सभी गाय लाल हो या सफेद अनुकूल होती हैं, उनको दिल से मैं प्यार करता हूँ। वह मुझे पूरी खुशी के साथ क्रीम देती है सेब की मिठाई खाने के लिए। She wanders lowing here and there, and yet she cannot stray. All in the pleasant open air, the pleasant light of the day. वह यहाँ वहाँ घूमती है पर भटकती नहीं है। दिन की रोशनी में, खुली हवा में वह पूरी खुशी के साथ घूमती है। एंड ब्लोन बाय ऑल द विंड्स दैट पास एंड वेट विद ऑल द शावर्स, शी वर्क्स अमंग द मैडो ग्रास एंड ईट्स द मैडो फ्लावर्स। वह हवाओं से गुजरती और पानी की फुहार से खुद को भिगा देती है। वह घास में जाकर घास चरती और फूलों और फलों को खाती है। राइट डाउन दिस पोएम इन योर नोटबुक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन: व्हाई डज द पोएट लव द काउ? द पोएट लव्स द काउ बिकॉज शी गिव्स हिम क्रीम विद ऑल हर माइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड: वेयर डज द काउ वांडर्स? द काउ वांडर्स हियर एंड देयर। क्वेश्चन नंबर थर्ड: वॉट इज द ओपन एयर लाइक? द ओपन एयर इज वेरी प्लीशेंट। क्वेश्चन नंबर फोर: वॉट डज द काउ डू इन द फील्ड? द काउ वर्क्स अमंग द मैडो ग्रास एंड ईट्स द मैडो ग्रास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ: Why do you think the cow cannot stray? The cow cannot stray because she knows where is her way to search food.